हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास ट्वेंटी फोर पर और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस भी चल रहा था आज जो हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस वेज की क्लास नंबर है वो 56 है क्लास का टाइमिंग आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पांच बजे से साढ़े छह बजे या फिर हो सकता है सात बजे तक भी क्लास पहुंच जाती है हमारी ठीक है क्लास का जो टाइमिंग है वो पांच बजे से साढ़े छह बजे तक सात बजे तक भी पहुंच जाती है ये मैथ्स का आपका मोक टेस्ट नंबर फिफ्टी है ठीक है और ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है प्री और मेंस क्योंकि जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं और टॉपिक्स के साथ साथ जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन uh, हम लोग आपके लिए यहाँ पर ले आते हैं साथ में हम लोग ये भी देखते हैं बेसिक्स तो क्वेश्चन के देखते ही देखते हैं उसके साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम में जल्दी कैसे क्वेश्चन को कर पाते हैं वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं कोई भी बच्चा अगर इस क्लास में नया है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट से अगर आप क्लास देखना शुरू कर देते हैं और अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं आप ही के लैंग्वेज में ठीक है तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग प्री देना मेन्स देना कोई भी एग्जाम देना और कितने भी दिन बाद देना ठीक है इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा ये तो आपको क्लास देखने के बाद ही पता चलेगा अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं आइए आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखना और जो भी क्वेश्चन आए आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करना देखो क्वेश्चन जैसे जैसे अगर कहे वैसे वैसे अगर आप लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को द सम ऑफ एज ऑफ फोर ब्रदर्स इज फिफ्टी सिक्स चार जो भाइयों के एज का समय वो 56 सिक्स ईयर है एकदम आसान है इफ़ सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ दियर एज इज फोर ईयर्स रेस्पेक्टिवली उनकी जो आयु का डिफरेंस है वो चार वर्ष का है ठीक है तो आपसे पूछा गया है द एज ऑफ एल्डर वन इज यानी कि सबसे बड़े भाई की आपको आ, एज बतानी है सबसे बड़ा पूछे सबसे छोटा पूछे समझिएगा देखो चार भाई है एक दो तीन और ये चार आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में ये तो मैं आपको समझाने के लिए आपके सामने लिख रहा हूं ठीक है चार भाइयों के आयु का जो जोड़ है वो ये है ठीक है उनकी जो आयु का डिफरेंस है वो चार वर्ष है ठीक है मान लेते का जो फर्स्ट वाला है वो एक्स ईयर का है ठीक है फर्स्ट वाला भाई तो सेकेंड वाला है वो कितना हो जाएगा आप कहेंगे एक्स प्लस के फोर होगा क्योंकि ये इससे चार साल बड़ा है फिर जो तीन नंबर का है वो इससे चार साल बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस के चार में चार जोड़ो कितना हो जाएगा आठ और इसमें ये इससे बड़ा है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के बारह ठीक है और इन सभी का जो सम आपको दे रखा है वो दे रखा है फिफ्टी सिक्स दे रखा है तो इसको भी आप लोग ऐड कर दो इसको भी इसको भी यानी कि अगर चारों की एजों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल जो एज है वो कितनी आ जाती है फिफ्टी सिक्स आ जाती है चलिए तो यहाँ से सबसे पहले तो एक्स एक्स को एक जगह कर लो तो ये एक एक्स दो तीन और ये चार तो यहाँ पर हो जाएगा फोर एक्स प्लस के यहाँ पर फिर चार और चार और आठ बारह बारह और बारह चौबीस और इक्वल में कितना आ जाएगा फिफ्टी सिक्स ठीक है तो यहाँ से फोर एक्स इक्वल में कितना आ जाएगा यहाँ पर फोर एक्स इक्वल में आ जाएगा ये फिफ्टी सिक्स है ये ट्वेंटी फोर है तो फिफ्टी सिक्स में से जब ट्वेंटी फोर इधर आके माइनस का हो जाएगा तो फिफ्टी सिक्स में से ट्वेंटी फोर जाएगा तो कितना बचेगा आप कहेंगे थर्टी टू बचेगा कितना बचेगा बेटा थर्टी टू बचेगा फोर तो एक्स की वैल्यू यदि थर्टी टू है तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आठ आ जाएगी यदि x की वैल्यू आठ आ गई है आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है सबसे बड़े की एज तो सबसे बड़ा कौन था x प्लस के बारह था और x की वैल्यू है कितनी यहाँ पर आठ है ठीक है तो आठ और बारह कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ट्वेंटी ईयर ऑप्शन नंबर डी समझ पाए सभी ये फर्स्ट वाले के लिए पूछे तो यहां पर होता एट ईयर ठीक है ये तो एट ईयर का है ये जो सेकंड वाला है ये कितना हो जाएगा आठ और चार बारह यहाँ पर ये आठ और आठ सोलह ठीक है और ये कितना है ये है ट्वेंटी ईयर का जब आप इन सभी का सम करोगे ठीक है ये आठ और बारह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे बीस और बीस और बीस चालीस और सोलह छप्पन ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर ये आपका अलजेब्रा का एकदम आसान क्वेश्चन है समझिएगा देखो आपको जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो है और आपसे पूछा गया है एक्स प्लस फाइव का क्यूब प्लस वन में एक्स प्लस फाइव का क्यूब देखो आप लोग x प्लस फाइव का क्यूब जब ही निकाल पाएंगे जब आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो यानी कि x प्लस फाइव की वैल्यू आनी चाहिए यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो x 5 प्लस फाइव का क्यूब प्लस वन अपोन एक्स प्लस फाइव का क्यूब पूछा है तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू चाहिए वो चाहिए x प्लस फाइव और प्लस के वन अपॉन में एक्स प्लस के फाइव ठीक है अगर ये वैल्यू रहेगी तो हम लोग क्यूब तो इसका इजीली निकाल पाएंगे चलिए तो यहाँ से सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर तो एक्स प्लस फाइव का एलसीएम आ जाएगा नीचे एक्स प्लस फाइव ठीक है चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये x प्लस फाइव है और ये भी x प्लस फाइव है तो ये एक्स प्लस फाइव का होली स्क्वायर हो गया ठीक है तो एक्स प्लस फाइव का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यानी ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है पाँच और पांच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू एक्स ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स है और बी की वैल्यू पाँच है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स ठीक है और ये प्लस का वन तो है ही यहां तक किसी को कोई डाउट है चलो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं आपको यहां पर ये वाली वैल्यू भी दे रखी है तो इसका भी हमें यूज करना है ठीक है यहां पर ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहां पर आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस के फोर एक्स और माइनस के फोर और इक्वल में आपको दे रखा है जीरो यदि मेरे को यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस फोर एक्स को इधर भेजूंगा तो देखो अब ये भेजने का तरीका यहां भी कहीं बच्चे परेशान होते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कोई नहीं सिखाता ये यहाँ पर ये यह प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये बराबर में आता ही प्लस का हो जाएगा ठीक है तो ये तो क्या है प्लस का है तो ये तो हो जाएगा बेटा माइनस के फोर एक्स ठीक है और ये क्या है माइनस का है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का फोर ठीक है तो एक्स स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो आप लोग लिख सकते हो माइनस के फोर एक्स प्लस के फोर चलिए यहां पर एड कर देते हैं हम लोग तो यहां पर x के स्थान पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस के फोर एक्स प्लस के फोर और प्लस के ये तो चल ही रहा है ट्वेंटी फाइव प्लस के टेन एक्स और प्लस के वन और अपन में कितना है एक्स प्लस के फाइव है ठीक है जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना मैं आपको हंड्रेड वन परसेंट सिखाने की कोशिश करूंगा और डाउट भी आपके क्लियर कर दूंगा अब यहां पर आप देखेंगे वैसे तो मैं डाउट रखता नहीं हूं लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे तो अब देखो ये तो है माइनस के टेन एक्स है और ये प्लस के टेन एक्स है तो कितना बचा आप कहेंगे सिक्स एक्स बचा ठीक है प्लस के यहां पर आप देखेंगे तो देखो ये प्लस का फोर है और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है ये सभी एड हो जाएंगे तो चार और पच्चीस उनतीस और एक तीस और अपॉन में क्या है x प्लस के फाइव है ओके अब यहाँ से हमें यहाँ पर x प्लस फाइव है नीचे तो ऊपर क्या x प्लस फाइव बन सकता है बिल्कुल बन सकता है कैसे यदि मैं सिक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर यदि मैं सिक्स कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा आप कहेंगे x और प्लस के तीस में छः का भाग देंगे तो बचेगा पाँच अपॉन में नीचे क्या है x प्लस के फाइव है तो यहाँ से x प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव कट जाएगा आपको यहां पर x प्लस फाइव प्लस वन अपॉइन एक्स फाइव की वैल्यू कितनी आ गई है छ आ गई है तो इसका क्यूब तो हम लोग इजीली कर पाएंगे कैसे संख्या का क्यूब करते हैं यानी कि 6 का तो क्यूब करते हैं दो सो और उसमें से तीन गुना हम लोग माइनस करते हैं तो यहां पर दो सो माइनस के अठारह आंसर कितना आ जाएगा आपका वन एट आया किसी बच्चे का आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई इज 2000 एंड देट फॉर द मंथ्स मार्च अप्रैल मई एंड जून इज 3000 इफ हिज़ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून इज 8000 थाउजेंड देन वॉट इज हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एक व्यक्ति की फरवरी मार्च अप्रैल और मई का जो एवरेज है वेतन का सैलरी का वो है दो हजार ठीक है और मार्च अप्रैल मई और जून माह का जो सैलरी का जो एवरेज है वो है तीन हजार जून माह का जो आपको सैलरी दी गई है वो आठ हजार दी गई है आपसे फरवरी माह का वेतन पूछा गया समझेगा ध्यान से फरवरी मार्च अप्रैल और मई फरवरी मार्च अप्रैल और प्लस के मई ठीक है फरवरी मार्च अप्रैल और मई इनका जो सैलरी का एवरेज है वो कितना है दो हजार यदि एक की वैल्यू दो हजार है तो कितने हैं ये एक दो तीन और चार ठीक है यदि फरवरी महीने का दो हजार है तो मार्च का भी दो हजार होगा अप्रैल का भी दो हजार और मई का भी दो हजार तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 8000, ठीक है चलिए फिर है मार्च अप्रैल मई और जून यहां पर आपको जो सेकंड सैलरी दी गई है वो यानी कि मार्च अप्रैल मई और प्लस के जून ठीक है और इनका जो एवरेज है सैलरी का वो है तीन हजार तो चार को तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बारह हजार ठीक है यहां पर कितना आ जाएगा बेटा बारह हजार आ जाएगा ठीक है अब यहां से सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को यहां से मार्च से मार्च कर जाएगा अप्रैल से अप्रैल मई से मई और यहां पर जो बचेगा ये एफ यानी कि फरवरी और माइनस के जून फरवरी माइनस के जून और इनका जो एवरेज आया है वो कितना आया है तो 12000 में से 8000 जाएगा तो 4000 आएगा कितना आएगा बेटा 4000 क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या 4000 हजार कहाँ से आए ठीक है 4000 हजार कहाँ से मैंने इन माइनस कर दिया ठीक है तो फरवरी माइनस के जून फरवरी ये रहा क्योंकि सभी तो कट गया यहां पर फरवरी बचा और यहां पर जून बचा तो फरवरी माइनस के जून और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है चार हजार ठीक है आपसे क्या पूछा गया है यदि जून महीने का वेतन है वो आठ हजार है यहां पर आपको जो दिया गया है वो दिया गया है जून महीने का वेतन यानी कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी दे रखी है आठ हजार दे रखी है कितनी दे रखी है बेटा आठ हजार दे रखी है ठीक है यदि जून की सैलरी का जो एवरेज है वो आठ हज़ार है तो यहाँ पर फरवरी तो आठ हज़ार में से चार हजार जाएगा तो कितना बचेगा क्या चार हजार ही आया है क्या सभी बच्चों का आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर ए समझ पाए सभी फरवरी माइनस जून हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया मार्च से मार्च कट गया अप्रैल से अप्रैल मई से मई मई तो यहाँ पर फरवरी और यहाँ पर जून फरवरी माइनस जून बारह हज़ार में से आठ हज़ार जाएगा चार हज़ार जून की ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है सैलरी आठ हज़ार तो फरवरी की वैल्यू क्या हो जाएगी आठ हज़ार में चार हजार जाएगा तो फरवरी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आठ चार हजार ठीक है आगे मूव करते हैं ये क्वेश्चन आ गया है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और मैंने आपको स्लोप वाले प्रवणता वाले क्वेश्चंस में आपको रेगुलर करवा रहा हूँ तो आपको पता होगा ठीक है जो स्लोप होता है ठीक है उसकी उसका जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के ए अपॉन में बी क्या होता है बेटा माइनस के ए अपॉन में बी होता है ठीक है और यहाँ पर ये उसके इक्वल में दे रखा है माइनस के पाँच बटे दो माइनस के पाँच बटे दो यहाँ पर आपको ये इसके इक्वल में दे रखा है यहाँ से ए की वैल्यू क्या है आप कहेंगे नाइन तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के नाइन अपॉन में बी की वैल्यू कुछ है नहीं बी की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल में हो जाएगा माइनस के फाइव बाई टू हो जाएगा ठीक है माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा अठारह बटे पाँच तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 बटे पांच ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हाइट स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है एकदम आसान है हाइट स्पीड एंड डिस्टेंस का तो कह नहीं सकते ये रेडियन वाला क्वेश्चन है तो रेडियन भी आपके सिलेबस में है ठीक है ना तो उसको भी करवाना जरूरी है देखो क्या कर द डायमीटर ऑफ मून मैक्स एन एंगल ऑफ वन बाई टू डिग्री ठीक है ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर एक आधे डिग्री का कोण बनाता कितने डिग्री बेटा आधे डिग्री का ठीक है आधे डिग्री का वैसे कोण होता है नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द आई ऑब्जर्वर ए को सेंटीमीटर प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर एक सेंटीमीटर वाला वाला एक आ, सिक्का रखा जाए डायमीटर शुड भी प्लेस पे देट द कोइन शुड कवर द मून कम्प्लीटली ठीक है ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह ढक ले जैसे सामने कोई सिक्का रख रखा है ठीक है और उसको इस तरह से कि जो मून है उसको एकदम यानी कि रोक सके जो आँख को आँख को बिल्कुल मून दिखाई नहीं दे इस तरह से वो सिक्का रखा गया अब देखिएगा समझिएगा ध्यान से ये एक मून है ठीक है और ये एक कोई प्रेक्षक प्रेक्षक है जो यहाँ से और यहाँ से इसको देख रहा है वैसे आधा डिग्री का कोई एंगल होता नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं बना लेते हैं यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है बेटा आधे डिग्री है ठीक है वन बाई टू डिग्री है ठीक है और यहाँ पर ये जो बीच में है बीच में एक कॉइन रखा गया है एक सिक्का रखा गया है और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है वन सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है यहां पर जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है यहां पर वन सेंटीमीटर आपको डायमीटर दे रखा है ठीक है सबसे पहले मैंने आपको अभी डेली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंगल होता है या फिर जो कोण होता है इसके बराबर में क्या होता है तो आप कहेंगे आर्क अपोन में रेडियस होती है यानी कि चाप अपोन में क्या होता है बेटा त्रिज्या होती है क्या आपको याद है क्या ठीक है जो एंगल होता है कोण होता है वो क्या होता है आर्क अपोन में रेडियस होती है चाप अपोन में त्रिज्या होती है सबसे पहले तो ये बताओ कि ये आपको याद है क्या ठीक है और ध्यान रखना आपको जब कभी भी आधे डिग्री का कोण बने एक डिग्री का ठीक है तो हम लोग इसको चाप के डिस्टेंस के बराबर हम लोग इसको मान लेते हैं तो यहां पर जो एंगल या कोण है वो कितना है तो आप कहेंगे एंगल या कोण है यहां पर यह है वन बाई टू डिग्री चलिए यहां पर पुट करते हैं यहां पर एंगल और कोण है कितना आप कहेंगे वन बाई टू डिग्री है कोई दिक्कत है नहीं ओके इक्वल में आर के यानी कि जो चाप है वो कितनी है तो आप कहेंगे जो चाप है वो है वन डिग्री वन है यहां पर और यहां पर रेडियस है आर ठीक है आपसे क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर आर की वैल्यू पूछी गई है तो आर की वैल्यू यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू आती है बेटा डिग्री में सॉरी रेडियन में ये वैल्यू किस में आती है रेडियन में ठीक है अगर रेडियन में आ रही है तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैं आपको रोज समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपोन में वन से किससे डिवाइड कर देंगे बेटा पाई अपोन में वन से बस आपको इतना ही सोल्व करने की जरूरत है ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है तो यहाँ पर ये वन अपॉन आ रहा है तो हमें आर चाहिए तो पलट के ऊपर यानी कि आर इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूँ तो आप कहेंगे वो, आर अपॉन में आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर ठीक है ये कितना हो जाएगा 360 180 को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 और बटे ये पाई है तो पाई की वैल्यू कितनी है बाईस बटे सात है तो बाईस और ये सात पलट के ऊपर यानी कि ये हो जाएगा सेवन ठीक है इसको यहाँ से दो से काट दो तो ये आ जाएगा एक सौ अस्सी और ये यहाँ से कितना आ जाएगा ग्यारह इसको सोल्व करते हैं ये हो जाएगा जीरो आठ सात कितने होंगे छप्पन केरी फाइव ठीक है सात और पाँच कितना हो जाएगा यहाँ पर बारह 12. और बारह सौ साठ बटे ग्यारह जब हम लोग इसको सोल्ड करेंगे कम्प्लीट ही सोल्व कर लेते हैं आपके लिए तो ये कितना हो जाएगा ग्यारह ही कम ग्यारह फिर ग्यारह एक कम ग्यारह ग्यारह कम ग्यारह बचे कितने पंद्रह फिर ग्यारह ही कम ग्यारह फिर ग्यारह चौकने चौवालीस फिर बचे 6 और बटे ग्यारह सेंटीमीटर और आपका ऑप्शन आया किसी का ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा देखो जब तक मैं हो सकता आपको बुरा लगे लेकिन जैसे ही आप लोगों के सामने अच्छा क्वेश्चन आता है यानी कि बिना पढ़ा हुआ आता है आप लोग गायब हो जाते हैं सीखना पड़ेगा अगर आप लोग एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं भीड़ से अलग होना चाहते हैं है ना और आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाना तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा ठीक है ना इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है इस बात को आप लोग ध्यान रखना आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सोल्व करो आंसर दो द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एल सी डी एंड डेट ऑफ टीवी फ्रॉम दो हजार ग्यारह से दो हजार तेरह दो हजार ग्यारह से दो हजार तेरह तक एल सी डी और टीवी के औसत उत्पादन के बीच का डिफरेंस पूछा गया कब से कब तक 2011 से 2013 हजार है वो ये वाली है और जो टीवी है टीवी को ब्लैक में दिखाया गया ठीक है यहाँ पर टीवी है ये टीवी है ये ब्लैक में टीवी है यहाँ पर ये टीवी है ब्लैक वाले सभी टीवी है ओके चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा 2011 से 2013 तक किसकी बात की जा रही है एल की और टीवी की एल देख लेते हैं तो एल सी डी यहाँ पर सेवन है ठीक है फिर नाइन है तो नौ और सात सोलह और सोलह और चौदह कितना हो जाएगा तीस कितना हो जाएगा बेटा तीस तो यहाँ पर तीस और कितना का एवरेज है तीन का तो तीन से हम लोग डिवाइड कर देंगे ठीक है नेक्स्ट जो देखते हैं वो किसका देख लेते हैं एलसीडी का तो जो एलसीडी है वो किसमें है तो एलसीडी है यहां पर ये तो हम लोगों ने एलसीडी का देख लिया टीवी का देख लेते हैं बारह से तेरह में ग्यारह से तेरह में तो जो टीवी है वो ये रहा सिक्स और एट छह और आठ कितना हो जाएगा चौदह और चौदह और तेरह कितना हो जाएगा सत्ताईस ठीक है तो यहाँ से जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा सत्ताईस कितने का है तीन का है ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा टेन और यहाँ से कितना आ जाएगा नाइन तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है और ये हजार में तो आप लोग इसको दस हज़ार मान सकते हैं और ये नौ हज़ार तो इनका डिफरेंस ही पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा एक हज़ार आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा एक हज़ार आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ष 2012 और 2014 में एलसीडी 2012 ये रहा 2012 और 2014 2014 ये रहा 2012 और 2014 में एलसीडी एलसीडी यानी कि ये वाइट में तो ये है नो और ये कितना है चौदह तो चौदह और नौ कितना हो जाएगा तेईस ठीक है चौदह और नौ कितना हो जाएगा बेटा तेईस हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर बारह <स्थाँग> और चौदह में टीवी तो बारह और चौदह में टीवी टीवी कितना है यहाँ पर ये आठ है और यहाँ पर कितना है बारह है तो आठ और तेरह कितना हो जाएगा आठ और बारह कितना हो जाएगा बीस तो तेईस अनुपात बीस है क्या बिल्कुल है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे सोल्व करो आंसर दो देखेगा क्या कह रहा है ए डियर इज अ ऑफ ए टाइगर बाई फिफ्टी लिप्स एक चीता अपनी छलांग से पचास छलांग एक हिरण से पीछे होता है आगे होता है यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है वो है फिफ्टी छलांग है ठीक है दे बोथ रन एट ए स्पीड ऑफ फाइव लिप्स प्रति मिनट एंड फोर लिप से प्रति मिनट वे दोनों क्रमशः पांच छलांग प्रति मिनट और चार छलांग प्रति मिनट की दर से भागते हैं इफ़ टाइगर एंड डियर कवर्स एट मीटर एंड फाइव मीटर रेस्पेक्टिवली इन एवरी लीप फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइगर टू कैच डियर यदि प्रत्येक छलांग में चीता और हिरण क्रमशः पाँच आठ मीटर और पाँच मीटर ही दूरी तय करते हैं तो हिरण को पकड़ने के लिए चीते को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी सोल करो आंसर दो ठीक है बेटा ये यहां पे एक टाइगर मान लेते हैं और यहां पर ये डियर मान लेते हैं हिरण ठीक है ये टाइगर मान लिया मैंने और यहां पर क्या मान लिया डियर यानी कि हिरण मान ली इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है तो आप कहेंगे ये एक चीता अपनी छलांग से चीता की छलांग है ठीक है और चीता की छलांग है वो कितनी है पचास छलांग है ठीक है पचास छलांग है और जो चीते की जो स्पीड है वो कितनी है तो आप कहेंगे आठ मीटर की दूरी तय करता है तो आठ मीटर की दूरी तय करता है तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या चार सौ मीटर होगी क्या चिता की जो छलांग है वो पचास है और एक छलांग आठ मिनट में तय करता है ना ठीक है आठ मीटर है एक की एक की डिस्टेंस तो पचास की कितनी हो जाएगी आप कहेंगे चार सौ मीटर तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे चार सौ मीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी चलिए इसको हटा लेते हैं यहां पर ये दोनों क्रमश है पाँच छलांग प्रति मिनट और चार छलांग प्रति मिनट ठीक है यदि पाँच छलांग प्रति मिनट है और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो आठ मीटर की दूरी तय करता है तो यहाँ से जो चीते की जो स्पीड है वो कितने आ जाएगी आठ को पाँच से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि चालीस मीटर प्रति मिनट आ जाएगा ठीक है और यहाँ से हिरन की जो स्पीड आएगी वो कितने आ जाएगी यानी कि चार छलांग और पाँच मीटर की दूरी तो यहाँ पर आ जाएगा बीस मीटर प्रति मिनट ठीक है सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि ये कहाँ से क्या लिख दिया मैंने टाइगर की स्पीड है वो 40 मीटर प्रति मिनट आ गई है और यहाँ से जो डियर है यानी कि हिरण है उसकी स्पीड आ गई है 20 मीटर प्रति मिनट अब यहाँ से हमें टाइम चाहिए तो टाइम निकाल लेते हैं पहले देखो यहाँ से आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है 400 मीटर और यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी अब बताओ रिलेटिव स्पीड के लिए आप लोग डिस्टेंस को ऐड करेंगे या फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे आप कहेंगे कि ये चीता है ये जो टाइगर है और ये हिरन है दोनों आगे पीछे भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर प्रति मिनट ठीक है अब यहाँ से आप लोग टाइम निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो यहाँ से हो जाएगा 400 सौ बटे स्पीड कितनी है 20 तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 20 मिनट कितना आ जाएगा बेटा 20 मिनट अब आपसे क्या पूछा गया है टाइगर की डिस्टेंस पूछी गई है तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टू टाइम होता है तो स्पीड टाइगर की कितनी है 40 मीटर प्रति मिनट है और यहां पर जो टाइम है वो कितना है 20 मिनट है तो 40 को आप लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो टाइगर की डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी चा चालीस को जब आप बीस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आठ सौ मीटर ठीक है और यहाँ से अगर आपको डियर की चाहिए तो हिरण की तो हिरण की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितने आ जाएगी तो हिरन की स्पीड कितनी है यहाँ पर ट्वेंटी ठीक है और ट्वेंटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग ट्वेंटी से तो यहाँ से आ जाएगा चार सौ मीटर ठीक है कितना आ जाएगा 400 मीटर यह तो टाइगर की और यह आगे स्पीड आपसे क्या पूछा गया है टाइगर के लिए तो टाइगर के लिए आ जाएगा आंसर आपका 800 मीटर कभी देखो आपको टाइम भी पूछा जाता है ठीक है तो टाइम के लिए मैंने आपको यह निकाला लेकिन कभी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही पूछी जाए ठीक है सिर्फ और सिर्फ आपको यदि डिस्टेंस ही पूछी जाए तो आप ध्यान रखना यहां पर स्पीड है कितनी तो आप कहेंगे स्पीड है यहां पर 40 मीटर है और यहां पर 20 मीटर है तो यहां पर जो स्पीड का रेशियो है वो क्या टू रेशियो वन है क्या स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है यहां पर आप कहेंगे स्पीड है चालीस मीटर प्रति मिनट है और दूसरी स्पीड कितनी है बीस मीटर प्रति मिनट है तो यहां पर चालीस को बीस से डिवाइड किया तो दो बीस को बीस से एक तो यहां से स्पीड का रेशियो कितना आ गया टू रेशियो वन आ गया यदि स्पीड का रेशियो यह है तो ध्यान रखना जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो भी कितना होता है टू रेशियो वन होता है यदि स्पीड का रेशियो टू रेशियो वन है तो डिस्टेंस का रेशियो भी टू रेशियो वन होगा ठीक है इन दोनों के जो डिफरेंस है इन दोनों का जो डिफरेंस है यहां पर ये कितना है आप कहेंगे एक और यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 400 है कितना है बेटा 400 है यदि एक की वैल्यू 400 है तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। और यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है तो मैंने क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से समझा दिया है अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे ठीक है और ये क्वेश्चंस भाई एग्जाम में आते हैं ठीक है ना तो आपको यहाँ पर अगर टाइम पूछे तो टाइम भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया यहाँ पर ठीक है यहाँ से स्पीड भी अब आप यहाँ से टाइगर की भी स्पीड पूछ सकता है और डियर की भी हिरण की भी डिस्टेंस भी पूछ सकता है या फिर ये भी पूछ सकता है कि दोनों द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो 800 सौ यह है 400 सौ यह है आंसर कितना हो जाता 1200 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं कल हम लोगों ने मीडियन पर एक क्वेश्चन किया था आज फिर से एक क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग टाइप वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं एन अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेस आइसोसलेस ट्रैंगल इज टू सेंटीमीटर मीडियम्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रैंगल समझी त्रिभुज की असमान भुजा दो सेंटीमीटर है ठीक है समान भुजाओं पर खींची गई माध्य ये, लंबवत होती है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया ध्यान रखना जो ग्रेविटी सेंटर होता है जो गुरुत्व केंद्र होता है वो को टू रेशियो वन में डिवाइड करता है ठीक है एक तो ये और त्रिभुज में दो साइड्स बराबर होती है इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना ठीक है चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक समझिभाव त्रिभुज है ये एक समी भाव त्रिभुज है बेटा इसको नाम दे सकते हो ए इसको बी और इसको यहाँ से सी नाम दे सकते हो ठीक है यहाँ पर समान भुजाओं पर खींची गई मध्य का लंबवत होती है लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है नब्बे डिग्री पर होती है तो यहाँ से एक मीडियन यहाँ पर मैंने ये ले ली और यहाँ पर एक मीडियन ये ले ली ठीक है और ये दोनों किस पर इंटरसेक्ट करती है नब्बे डिग्री पर ओके और ये जो लेंथ है ये जो आपको दी गई है ये दे रखा है यहाँ पर टू सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मीडियन है मध्य का है उसका रेशियो होता है टू रेशियो वन होता है तो यहाँ से ये जो रेशियो हो जाएगा यानी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी टू एक्स और ये हो जाएगा यहाँ से एक्स यहां से साइड के पास में हमेशा टू आता है ये बात ध्यान रखना कई बच्चे परेशान रहते हैं समझ कम आता है ठीक है साइड के पास वाली जहां पर साइड है वहां पर तो यहां पर भी कितना हो जाएगा टू एक्स और यहां पर भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा क्योंकि टू रेशियो वन है यह भी टू रेशियो वन में डिवाइड करती है ठीक है ओके अब यहां पर आप देखेंगे तो देखो ये अगर ये निब्बे डिग्री है ठीक है यदि ये यहां से ये निब्बे डिग्री है यदि ये निबड़ डिग्री है तो हाइपोटेनस या कर्ण होगा ठीक है मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल में टू सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर आप कहेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर टू एक्स का होल स्क्वायर यानी कि फोर एक्स स्क्वायर ठीक है और इक्वल में यहाँ पर टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा फोर तो देखो ये एट है ये ये फोर है ये फोर है तो दोनों ये फोर एक्स स्क्वायर है ये फोर एक्स स्क्वायर यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर और इक्वल में कितना है फोर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे एक बटे दो आ जाएगी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी एक बटे दो आ जाएगी ठीक है और आप सभी लोग जानते हैं कि जो राइट right एंगल में राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है वन बाई टू बेस इन हाइट क्या होता है बेटा एरिया जो होता है वो होता है वन बाई टू और बेस इंटू हाइट होता है ठीक है तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा वन बाई टू बेस तो है कितना यहां पर यहां पर बेस है कितना आप कहेंगे टू एक्स और यहां पर बेस इंटू हाइट कितनी हाइट कितनी है यहां पर हाइट भी टू एक्स है तो यहां से टू से तो टू कट जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या बचा यहाँ पर बचा है टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और यहां से टू और इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है कितने एक बटे दो है तो यहां से दो से दो तो एरिया आ गया यहाँ पर एक यहाँ पर एरिया कितना आ गया एक यदि एक एरिया आ गया है आपसे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स तीनों ट्रायंगल्स ये तो कौन सा है ट्रायंगल यानी कि इस वाले ट्रायंगल्स का एरिया आया है ठीक है तो ये कितना ट्रायंगल्स है यानी कि ये तो एक है कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं एक ये बन रहा है कंप्लीट ट्रायंगल की बात की जा रही है ना ठीक है और एक कौन सा बन रहा है ये वाला तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे तो हम लोग कर देंगे तीन से मल्टीप्लाई तो एक को जब आप लोग तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है कितना आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर यह बात आप लोग ध्यान रखना कि जो मीडियन होती है ठीक है वो ग्रेविटी सेंटर यहाँ पर ग्रेविटी ग्रेविटी सेंटर होता है गुरुत्व केंद्र होता है ठीक है ना आपको मैंने कल भी सिखाया था जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है ये मीडियंस हो गई तो कितने ट्राएंगल्स हो गए ये एक दो तीन चार पाँच छः तो ये भी वन अपॉन सिक्स होगा 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 और ये भी वन अपॉन सिक्स होगा ठीक है और यहाँ पर ये जो एक एरिया आया है ये तो सिर्फ इस वाले ट्रैंगल्स का आया है ठीक है तो इस वाले ट्रैंगल्स कितना हो जाएगा वन ओपॉइंट तो यदि एक की वैल्यू एक है तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हो जाएगी समझ गए सभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हाइट स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे आसान क्वेश्चन है आप लोग कर पाओगे द एंगल्स ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 52 टू मीटर एंड थर्टीन मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री दाइट ऑफ द टावर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जो पूरा कोण होता है उसका मतलब यह होता है कि दो एंगल्स का सम नब्बे डिग्री होता है ठीक है कितना होता है बेटा निब्बे डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एंगल अल्फा प्लस के एंगल बीटा इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए निब्बे डिग्री होना चाहिए एक टावर के शीर्ष के भूमि पर टावर के आधार से बावन मीटर और तेरह मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से बनने वाले उन्नयन कोण पूरक है ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री तो टावर की ऊंचाई देखेगा ठीक है इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं एक अल्फा और एक बन रहा है बेटा बीटा एंगल इसको आप लोग अल्फ़ा नाम दे सकते हैं ये कितना हो जाएगा बीटा ठीक है एक जो यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है ये आपको दे रखी है थर्टीन और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है ये आपको दे रखी है फिफ्टी टू और आपसे हाइट पूछिए तो हाइट के लिए आप सभी लोग जानते हैं हम लोग इन दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके और रूट लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसका रूट ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 52 टू इंटू कितना हो जाएगा 13. और 52 को आप लोग क्या लिख सकते हो तो आप कहेंगे 54. 54 को हम लोग लिख सकते हैं 52 को 13 इंटू चार लिख सकता हूँ मैं क्योंकि 13 इसमें ऑलरेडी है 13 इंटू चार और इंटू तेरह ठीक है इसमें से आप लोग बीच में से क्या ले सकते हो आप कहेंगे तेरह कॉमन आ रहा है और यहाँ पर फोर आ रहा है तो तेरह तो यहाँ पर आ जाएगा और रूट में फोर है तो कितना आ जाएगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा क्या ट्वेंटी सिक्स है सभी बच्चों का ठीक है कितना आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठीक है यहां से आपको एक तो ये लेंथ दी जाएगी और एक ये टोटल लेंथ तो आपसे हाइट पूछे तो डायरेक्ट आप लोग रूट कर देना और इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा ठीक है यस या नो में सभी बच्चे आंसर दो एक तो आप लोग आंसर नहीं कर रहे यस या नो में फटाफट आंसर दो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है फटाफट यस या नो में आंसर चाहिए मुझे देन उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है फटाफट आंसर करो किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है ठीक है अदरवाइज़ आपको <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिएगा सोल्व करो आंसर दो फाइनल द स्मॉलेस्ट नंबर विच एस डिवाइडेड बाय एट एंड फाइव एंड लिव यू रिमाइंडर फोर एंड थ्री बट इट इज एक्टली एक्जैक्टली डिवाइडेड बाई थर्टीन तेरा का सबसे छोटा गुणज जिसमें आठ व पाँच का भाग देने पर चार और तीन सेल बचे चलिए चेक कर लेते हैं आठ और पाँच का तो पहले तो पाँच का चेक कर लेते हैं पाँच में इसमें भी तीन बच रहा है इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सभी में तीन तीन बच रहे हैं ठीक है अब हम चेक करते हैं आठ वाला आठ का जब हक देंगे तो यहाँ पर आठ सात छप्पन बचे अठारह आठ दूनी सोलह तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा दो ठीक है यहाँ पर आठ पंजे चालीस यहाँ पर हो जाएगा आठ पंजे चालीस हो जाएगा बचे 78, एट आठ नाम बेहतर तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर सिक्स ठीक है यहाँ पर आठ सात छप्पन रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर थ्री और यहाँ पर आठ पंजे चालीस बचे सिक्सटी एट आठवीटी चौंसठ तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा फोर आपसे क्या पूछा गया है आठ में से जब डिवाइड किया जाए तो फोर रिमाइंडर बचे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चंस मैं पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं ठीक है लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको इसके मैं दो तरीके बताने वाला हूं दो मेथड समझिएगा ध्यान से ठीक है यहाँ पर आपको दिया गया द लेंथ ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रेंगल आर नाइन सेंटीमीटर ट्वेल्थ सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द ट्रेंगल इज एक त्रिभुज की तीनों माध्य नौ सेंटीमीटर बारह सेंटीमीटर और पंद्रह सेंटीमीटर है तो आपसे ट्रैंगल का एरिया पूछा गया है दो मेथड सिखाने वाला हूँ समझिएगा वैसे तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जो मीडियंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया का फोर अपोन में थ्री इन रूट में एस एम एस एम माइनस वन एस एम माइनस के मीडियन वन एस एम माइनस के मीडियन टू ठीक है और एस एम माइनस के मीडियन थ्री ठीक है और यहाँ पर जो एस एम की वैल्यू निकाली जाती है वो निकाली जाती है मीडियम फर्स्ट प्लस मीडियम सेकेंड और प्लस के मीडियम थर्ड और अपॉन में टू से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो मीडियम कितने हो जाएंगे नौ और बारह इक्कीस इक्कीस और पंद्रह छत्तीस तो छत्तीस बटे दो यानी कि यहाँ पर जो मीडियम आएगी वो आ जाएगी अठारह कितने आ जाएगी बेटा अठारह आ जाएगी क्या सही है क्या बारह नौ इक्कीस इक्कीस और पंद्रह छत्तीस ठीक है तो यहाँ से एसएम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई अठारह चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर मीडियन फर्स्ट कितनी है नौ है मीडियन सेकंड कितनी है ट्वेल्व है और यहाँ से मीडियन जो थर्ड है वो कितनी है फिफ्टीन है यहाँ पर पुट कर देते हैं फोर अपॉन थ्री मल्टीप्लाई में एस एम की वैल्यू कितनी आई है अठारह मल्टीप्लाई अठारह में से मीडियन फर्स्ट यानी कि अठारह में से 9 no जाएगा तो 9 no मल्टीप्लाई यहां पर अठारह और अठारह में से बारह जाएगा तो इनटू यहां पर अठारह अठारह में से पंद्रह जाएगा तो कितना बचेगा तीन बचेगा क्या सही है क्या ठीक है चलिए यहां से फोर अपॉन थ्री तो है ही मल्टीप्लाई में ठीक है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो अठारह को इसमें नौ है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर नाइन इंटू टू लिख लेंगे ठीक है ब्रेक कर दो इसके नाइन तो है ही यहाँ पर सिक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो टू इंटू थ्री लिख सकते हैं और यहाँ पर थ्री तो है ही ऑलरेडी ओके अब यहाँ पर जो जिनका पैर बन रहा है हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर नौ है और यहाँ पर नौ है नाइन बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो टू है और यहाँ पर टू है तो टू भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि थ्री और थ्री यहाँ पर थ्री भी बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई फोर अपॉन में कितना है थ्री है ठीक है तो थ्री से थ्री कट जाएगा नौ चौकड़े छत्तीस और दोनी बहत्तर तो आंसर कितना जाएगा? 72 आ जाएगा सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका देखिएगा एक और मेथड है वो समझिएगा वो मेथड क्या है वो मेथड बेटा जब ही लगेगा जब मीडियम से वो ट्रिपलेट में ठीक है ट्रिपलेट में कैसे जैसे M1 यानी मीडियन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस मीडियन सेकंड का स्क्वायर इक्वल में है मीडियन थर्ड का स्क्वायर क्या है क्या देखो यहाँ पर नौ का स्क्वायर प्लस के बारह का स्क्वायर और इक्वल में पंद्रह का स्क्वायर होना चाहिए क्या प्रूव कर रहा है बिल्कुल कर रहा है ठीक है तो यदि ये, ये... मीडियंस है वो अगर ट्रिपलेट में है ठीक है तो आप क्या करोगे यहाँ पर यहाँ पर आप कर दोगे टू अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई और मीडियन फर्स्ट और मीडियन सेकेंड इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कितना है टू अपॉन में थ्री है मीडियन फर्स्ट कितनी है तो मीडियन फर्स्ट है नाइन है और यहां पर जो मीडियन सेकेंड है वो कितनी है ट्वेल्व है तो इसको यहां से मल्टी सोल्व करेंगे तो 9 कितनी बार कटेगा थ्री टाइम्स भारत या छत्तीस धूनी बेहतर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब ही लगेगा जब मीडियन है वो ट्रिपलेट में दी गई है इस बात को आप लोग ध्यान रखना ये तो सभी में लगेगा ही लगेगा ये वाला फॉर्मूला ठीक है आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन्हें पार्टनरशिप बिजनेस बीज कैपिटल हाफ हाफ ऑफ ऑफ इफ आफ्टर मंथ्स बी कैपिटल एंड आफ्टर टू मंथ्स मोर ए विड्रो वन फोर्थ ऑफ हिज कैपिटल देन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है ठीक है यदि आठ महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके दो महीने बाद ए ने अपनी वन फोर्थ पूंजी निकाल ली हो और ए और बी का जो लाभ का अनुपात कितना होगा यह आपसे पूछा गया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इसको तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हो ठीक है नंबर फोर्टीन का मेरे को आंसर चाहिए आंसर दो देखो यहां पर एक ए और एक कोने बेटा बी है ठीक है एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है ठीक है और फिर कह रहा है दो महीने बाद ए ने अपनी वन फोर्थ पूंजी निकाल ली वन फोर्थ पूंजी निकाल ली यानी कि वन फोर्थ का डबल यानी ए को मैं यदि एट मानता हूं तो बी की पूंजी इससे आधी है यानी कि ये कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी ठीक है यहां पर रेशियो में हम लोग सोल्व कर रहे हैं ध्यान रखना यहां पर बी की पूंजी ए से आधी है बी की पूंजी ए से आधी है ठीक है यदि आठ महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली ये जो चार रुपये है ये कितने महीने तक लगा रहे होंगे आठ महीने तक और उसके बाद इसने आधी पूंजी निकाल ली यानी कि चार रुपये थे चार रुपये में से आधी पूंजी यानी कि दो रुपये निकाल लिए तो बचे कितने दो रुपये ठीक है दो महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और ये जो दो रुपए है ये कितने महीने तक लगे रहे होंगे क्योंकि वर्ष के अंत तक यानी कि टोटल बारह महीना है तो यदि ये आठ महीने तक ये आठ महीने तक लगी रही होगी ये पूंजी ये कितने महीने तक चार महीने तक ठीक है और उसके दो महीने बाद क्योंकि आठ महीने बाद तो बी ने निकाली और उसके दो महीने बाद लैंग्वेज थोड़ी चेंज है ठीक है तो आठ महीने तो ये और उसके दो महीने बाद यानी कि आठ और दो दस महीने बाद तो दस महीने बाद ए ने तो ये आठ रुपए है ये तो दस महीने तक तो लगे रहे होंगे ठीक है और उसके बाद कह रहा है ए ने अपनी वन फोर्थ पूंजी निकाल ली तो इसकी जो वन फोर्थ पूंजी है हाँ बिल्कुल सही है भाई आपका आंसर देख लेते हैं इसका जो वन फोर्थ है वो कितना हो जाएगा आप कहेंगे टू तो अगर दो रुपये निकाल लिए तो बचे कितने आप कहेंगे छः रुपये और ये कितने महीने के लिए दो महीने के लिए ठीक है इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा अस्सी और ये छः दोनी बारह आप सभी को पता है इनको ऐड करते हैं तो ये तो कितना आ जाएगा नाइन्टी टू और ये कितना हो जाएगा आठ के बत्तीस और ये आठ बत्तीस और आठ कितना हो जाएगा चालीस ठीक है तो बानवे रेशियो चालीस इसको हम लोग चार से मल्टी डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेंटी थ्री रेशियो टेन आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है वेरी गुड भाई देखो शिशिर का आंसर आया है अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए परसेंटेज का एकदम आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग पहले कर भी चुके होंगे ऐसा मेरा मानना है सचिन स्कोर 120 ट्वेंटी रनस विच इंक्लूडेड सिक्स बाउंड्रीज एंड फोर सिक्स ठीक है वॉट परसेंटेज ऑफ इज टोटल स्कोर डी डी मैक बाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स सचिन ने छह चौके छः चौके एक एक चौके में चार रन होते हैं तो छः चौके में कितना हो जाएंगे चौबीस ठीक है और छः छक्के सॉरी चार चौ चार छक्के एक छक्के में छः रन होते हैं तो चार छक्के में चौबीस देखिएगा यहाँ पर छः चौके और चार छक्के तो छः चौके के कितने हो गए आप कहेंगे छः चा इंटू चार प्लस के यहाँ पर चार छक्के एक छक्के में रन छः तो चार में कितने हो जाएंगे आप कहेंगे चौबीस छः इंटू चार हो जाएगा ये ठीक है कि मदद से 120 रन बनाए उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़कर बनाए छक्के और चौके से जो रन बनाए उसने वो कितने बनाए तो 24 और 24 48 रन बनाए कितने रन बनाए हैं चौके से और छक्के से जो रन बनाए हैं सचिन ने वो बनाए हैं अड़तालीस टोटल जो रन बने थे वो कितने बने थे 120 रन बने थे ठीक है तो यहां पर ये जो भाग दौड़कर जो रन लिए होंगे वो कितने लिए होंगे तो आप कहेंगे दस में से आठ जाएगा तो दो और यहाँ पर ग्यारह ग्यारह में से चार जाएगा तो सात यानी कि बेहतर रन वो है जो एक एक दो दो भाग भाग के लिए आपसे क्या पूछा गया उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट रन के विकेट प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए तो ये बेहतर रन बनाए कितने में से बनाए हैं 120 में से और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से ठीक है तो यहां से फिर से जो आंसर आया है वो किसका आ गया शिशिर का और यहां से आंसर आ गया शिशिर का 60 परसेंट वेल्डन well भाई बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थ्री क्विंस आर टोस्ट टुगेदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है एक हेड आने की प्रायिकता कब है यह आपसे पूछा गया चलो इसको सोल्व कर दो आंसर दे दो फटाफट देखो एक हेड एक हेड कितनी बार आता है दो बार तीन बार आता है ठीक है सेवन बाई एट वेलडन भाई बहुत बढ़िया देखिएगा यहां पर तीन सिक्के हैं, तीन सिक्के यानी कि जितने भी सिक्के उछाले जाते हैं हम लोग उसकी पावर ले लेते हैं यानी कि एन ठीक है तो यहां से जो आउटकम्स आएंगे यानी कि तो टू की पावर कितना हो जाएगा तीन यानी कि जो टोटल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे आठ आएंगे अगर यहां पर चार सिक्के होते तो यहां पर टू के पावर फोर करते पांच सिक्के होते तो टू के पावर फाइव करते ठीक है हाँ बिल्कुल सही है भाई आपने एकदम सही आंसर किया है ठीक है लेकिन समझो इस बात को तो यहां पर आपको कम से कम एक हेड आने की ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस के वन अपॉन में एट ठीक है एक एक के लिए हम क्या कर देंगे एक को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कितना बचेगा सेवन बाई एट और यही हमारा आंसर है मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्टी आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिफ्टी आर्टिकल्स देन द परसेंटेज लॉस और गैनज यदि 40, the 40 वस्तुओं का विक्रम मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है ठीक है ध्यान रखना जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रम मूल्य पर हमेशा निकालते हैं इस बात का आप लोग ध्यान रखना ठीक है ये कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रम मूल्य जो 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है वो 50 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर है ऐसा क्वेश्चन में कहा गया ठीक है तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो तो ध्यान रखना जैसे ये है 40 के साथ एसपी है और 50 के साथ सीपी है ठीक है तो यहां पर सी का तो वो होगा जो एस के साथ है और एस का वो होगा जो सी के साथ है तो यहां से जो सी आएगा वो तो आ जाएगा यहां पर चालीस और यहां पर एस पी आएगा वो आ जाएगा 50 अब एक बात ध्यान रखना अगर आप लोग 40 की वस्तु को पचास रुपए में बेच रहे हैं ठीक है यहां पर ये साफ कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा ये हमें कंफर्म है नहीं तो एक बात बताओ अगर 40 की वस्तु को अगर आप लोग पचास रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा आप कहोगे प्रॉफिट होगा कितने का होगा दस रुपए का कॉस्ट प्राइस है कितनी आप कहीं चालीस और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से जीरो से ज़ीरो कट जाएगा यहाँ पर और ये 100 है ठीक है तो 100 से कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट और ये 25 परसेंट लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आ जाएगा सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सोल्व करो फटाफट आंसर दो एकदम आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको वैसे करना है जैसे हम लोगों ने रेशियो में किया था ठीक है कैसे किया था वो मिल्क और वाटर को ठीक है जैसे मिल्क डाला जाता है तो वाटर की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं और जैसे वाटर डाला जाता था तो मिल्क की वैल्यू कांस्टेंट रखते थे उसमें आपको सोल्व करना है उसी तरह से देखिएगा इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फिफ्टीन गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बीकम टू रेशो वन लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से पंद्रह लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो टू रेशो वन है समझिएगा ध्यान से ये बॉयज है और यहाँ पर ये गर्ल्स है ठीक है एक ग्रुप में से पंद्रह लड़कियां ग्रुप छोड़कर जाती है गर्ल्स है ये फिफ्टीन यहां से ग्रुप छोड़ के चली जाती है ठीक है तो रेशियो कितना हो जाता है रेशियो हो जाता है टू रेशियो वन हो जाता है गोट इट ठीक है फोर्टी फाइव बॉयज लेफ्ट द ग्रुप ठीक है बाद में जब पैतालीस लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं फ्टर इफ आफ्टर फोर्टी फाइव बॉयज लेफ्ट द ग्रुप ठीक है द रेशो बिकम्स वन रेशो फाइव यहां पर जो बॉयज है वो कितने चले जाते हैं बेटा फोर्टी फाइव चले जाते हैं ठीक है यहां पर बॉयज फोर्टी फाइव चले जाते हैं तो रेशो कितना हो जाता है वन रेशो फाइव हो जाता है समझ आगे क्वेश्चन अब समझिएगा यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर है क्या गर्ल्स की जो वैल्यू है वो क्या सेम होनी चाहिए क्या ठीक है क्यों क्योंकि गर्ल्स ना तो इसमें आ रही है वो ना ही जा रही है जो ज... ज... इसमें जो जा रहे हैं वो कौन है बॉयज है ये तो 50 गर्ल्स 15 गर्ल्स पहले ही चलेगी यानी कि रेशियो से पहले ही ठीक है तो यानी कि अब जो है यानी कि गर्ल्स की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए क्या यानी कि गर्ल्स के जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए यदि गर्ल्स के नंबर सेम होने चाहिए तो यहां पर गर्ल्स पाँच है तो आप इसको भी पाँच बना लो तो इसको पाँच बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे पाँच से अगर इसको पाँच से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी पाँच से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो यहां से बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा टेन और यहां से गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा फाइव ठीक है बॉयज का रेशियो टेन और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा फाइव अब सभी बच्चे एक बात बताओ पहले बॉयज वो टेन थे और अब जो बॉयज बचे हैं वो एक बचे हैं ठीक है तो ये इतना डिफरेंस क्यों आया तो आप कहेंगे ये जो दस से एक का डिफरेंस आया है ये इसलिए आया है क्योंकि पैंतालीस बॉयज छोड़ के चले गए ठीक है तो हम कह सकते हैं क्या कि नौ की वैल्यू पैंतालीस है नौ की वैल्यू कितनी है बेटा पैंतालीस तो एक की वैल्यू कितनी है पाँच आपसे क्या पूछा गया है आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया यहां पर हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द ग्रुप ग्रुप में प्रारंभ में प्रारंभ में तो यदि एक की वैल्यू पांच है तो यहां पर पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी पच्चीस तो पच्चीस तो अभी ये लड़कियां हैं और पंद्रह ये गर्ल्स थी तो टोटल जो गर्ल्स है वो कितनी आ जाएगी तो यहां पर पच्चीस और पंद्रह आंसर आ जाएगा आपका फोर्टी कितना आ जाएगा फोर्टी क्या समझ पाए हैं सभी जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना यहाँ पर गर्ल्स में ना तो गर्ल्स जा रही थी और ना ही आ रही थी तो हमने गर्ल्स की वैल्यू सेम बना ली ठीक है गर्ल्स की वैल्यू सेम यानी कि अभी जो गर्ल्स है यदि पाँच है तो पहले भी कितनी रही होगी पाँच रही होगी ठीक है हमने इसको भी पाँच से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो आ गया दस ये आ गया एक इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पैंतालीस है यानी कि नौ की वैल्यू पैंतालीस है एक की वैल्यू पाँच तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा पच्चीस तो ये आ गई है और पंद्रह पहले चली गई है ठीक है अच्छा एक बात बताओ यहां से अगर आपके लिए बॉयज के लिए पूछ ले तो यहां से यदि बॉयज के लिए पूछ ले तो कि बॉयज पहले कितने थे तो आप कहेंगे बॉयज है यदि एक की वैल्यू पांच है ठीक है एक की वैल्यू यदि पांच है तो दस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहेंगे फिफ्टी हो जाएगी ठीक है ये आ गया है बोईज की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो एसआई SI का जो एस SI होता है साधारण ब्याज इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड ठीक है और कभी यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100 इंटू एस आई और अपॉन में प्रिंसिपल चाहिए तो आर इंटू टी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है और कभी आपको यदि रेट चाहिए तो आप क्या करोगे 100 इंटू एस आई और अपॉन में रेट चाहिए तो पी इंटू टी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यदि आपको टाइम चाहिए तो ये होता है हंड्रेड इंटू एस आई और अपॉन में यदि टाइम चाहिए तो टाइम के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पी इन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज एट अपॉन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइफ ऑफ द सम ठीक है इफ द नंबर ऑफ इयर्स आर न्यूमरिकली हाफ ऑफ द रेट परसेंट पर देन द रेट परसेंटेज पर एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का आठ बटे पच्चीस है ठीक आठ बटे पच्चीस है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से दर की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आधी है ठीक है तो आपसे रेट पूछी गई है देखिएगा ध्यान से यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया एट अपॉन में ट्वेंटी फाइव दिया गया एट अपॉन में क्या दिया गया है ट्वेंटी फाइव दिया गया है ठीक है अब आप ध्यान से समझना ये नीचे वाली वैल्यू को आप लोग हमेशा प्रिंसिपल माना करो ठीक है ये नीचे वाली वैल्यू को आप हमेशा प्रिंसिपल या फिर मूलधन मान सकते हैं ओके तो यहां से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आप कहेंगे प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर 25 फाइव यहाँ पर जो एस आई होगा साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा आठ और यहाँ से जो रेट होगी वो तो आपको निकालना है ठीक है और टाइम कितना हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर आर अपॉन में टू ठीक है जो टाइम होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आर अपोन में टू आई और यहाँ से आपको रेट परसेंट तो निकाल लें आपके पास प्रिंसिपल भी है एस SI आई भी है टाइम भी है रेट नहीं निकाल सकते रेट का फॉर्मूला क्या होता है हंड्रेड इंटू एस आई पी इंटू टी चलो यहाँ से सोल्व करते हैं देखो हंड्रेड इंटू एस आई एस आई की वैल्यू है कितनी आठ है अपोन में यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है पच्चीस है इन टाइम कितना है आर अपॉन में टू है और आपको क्या चाहिए रेट परसेंटेज चाहिए सही है ठीक है ये पच्चीस से कितनी बार कटेगा फोर टाइम्स ठीक है और ये पलटकर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा सिक्सटी फोर तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटी फोर किसका स्क्वायर रूट होता है आठ का तो रेट आ जाएगी यहाँ से आठ प्रतिशत और यदि यहाँ पर टाइम पूछता तो टाइम है वो रेट का आधा है तो टाइम आ जाता है यहाँ पर फोर ईयर आपसे क्या पूछा गया है आ, रेट पूछी गई है तो रेट कितनी आ जाएगी एट परसेंट ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये आ गया है आपका मेन डेविएशन मेन डेविएशन मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाए थे अगर आपको याद हो तो हम लोग मेन मेन कैसे निकालते हैं इन सभी का हम लोग सम करते हैं ठीक है चले कर लेते हैं देखो ये आठ आठ आठ, आठ सोलह सोलह और दो अठारह पाँच तेईस और छब्बीस छब्बीस छबत्तीस बत्तीस और आठ चालीस केरी कितना फोर ठीक है चार और पाँच नौ नौ चार तेरह छः उन्नीस उन्नीस और पाँच चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस तियालीस छियालीस और चार यानी कि ये हो जाएगा पाँच सौ और पाँच सौ बटे कितने नंबर से ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दस से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो मेन आएगा वो आ जाएगा फिफ्टी मेन कितना आ गया बेटा मेन आ जाएगा यहाँ से फिफ्टी हाय बेटा लेकिन आप क्लास देख लो ठीक है रंजीत चलो डेली आपको पता होना चाहिए फिक्स पाँच बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है और साढ़े छः या सात बजे तक हमारी क्लास चलती है फर्स्ट टाइम क्लास में है तो क्लास को पूरी देखना है और अगर आप लोग नोटबुक और पेन के साथ ये नोट्स बना लेते हैं तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ये मैं आपको गारंटी के साथ यकीन के साथ कह सकता हूँ प्री देना मेंस देना कितने भी दिन बाद आप लोग देना एग्जाम यहाँ पर हमारा हमने मीन निकाल लिया अब डिवीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर फिफ्टी में से थर्टी एट माइनस करोगे कितना बचेगा आप कहेंगे ट्वेल्व यहाँ पर फिफ्टी में से और सेवनटी में डिफरेंस कितना है ट्वेंटी का यहाँ पर फोर्टी एट और फिफ्टी में डिफरेंस कितने का दो का यहाँ पर फिफ्टी और 40 में डिफरेंस कितने का टेन का फिफ्टी और फोर्टी टू में डिफरेंस है एट का फिफ्टी और फिफ्टी फाइव में डिफरेंस है फाइव का फिफ्टी और सिक्सटी थ्री में डिफरेंस है थर्टीन का ठीक है और 50 और 46 में जो डिफरेंस है वो है फोर का 50 और 55 में फोर में जो डिफरेंस है वो फोर का है और 54 और 50 में जो डिफरेंस है वो है छः का अब आप यहाँ से क्या करेंगे इन सभी को ऐड करेंगे दो दो चार चार और आठ आठ और चार बारह पाँच सत्रह सत्रह तीन बीस बीस और चार चौबीस चौबीस या अट्ठाईस और अट्ठाईस और छः चौंतीस केरी कितना हो जाएगा तीन तीन चार पाँच और तीन आठ अब ये जो एटी फोर आया है इसमें आप लोग टोटल नंबर्स का भाग देंगे तो हमारे पास डिवीज़न आ जाएगा मेन डिवीजन यानी कि आंसर कितना आ जाएगा एट पॉइंट फोर क्या सभी बच्चों का आंसर एट पॉइंट फोर आया है क्या ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का और यहां पर आप सभी बच्चे सोल्व कीजिएगा देखो यहां पर जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो थीटा और निब्बर डिग्री के बीच में है यानी कि थीटा की वैल्यू निब्बत डिग्री से छोटा ही होना चाहिए बड़ा नहीं होना चाहिए इस बात को आप लोग ध्यान रखना इसमें आप लोग वैल्यू पुटिंग करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक सिखाने वाला हूँ ठीक है समझो यहाँ पर जो आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीठा माइनस कोस स्क्वायर माइनस थ्री साइन थीटा प्लस टू इक्वल में जीरो है तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन यहाँ पर क्या है यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है तो इस कोस थीटा को भी आप लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे यहाँ पर टेन होता है यहाँ पर कोर्ट फिर यहाँ पर टेन तो यहाँ पर कोर्ट थीटा को आप लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं टेन थीटा में यानी कि सभी को सेम यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अब ध्यान रखना कोश स्क्वायर थीठा को आप लोग लिख सकते हो वन माइनस के साइन स्क्वायर थीठा ठीक है कोश स्क्वायर थीठा को आप लोग क्या लिख सकते हैं वन माइनस के साइन स्क्वायर थीठा चलिए यहां पर सोल्व करते हैं देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस के कोश स्क्वायर थीठा को मैं क्या लिख सकता हूँ तो आप कहेंगे वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख लेंगे वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे ठीक है चलिए और यहाँ पर क्या है माइनस के थ्री साइन थीटा है प्लस के टू है और इक्वल में कितना है जीरो है बताओ समझ पा रहे हो क्या ठीक है यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो चलिए अब देखो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए सोल्व कर ही देता हूं यहां पर होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर होगा मन वन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के थ्री साइन थीटा और प्लस के टू और इक्वल में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बेटा ठीक है ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा आप कहेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कितना बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ठीक है यहाँ पर माइनस के थ्री साइन थीटा और यहाँ पर देखो ये टू है ये वन है तो यहाँ पर बचेगा प्लस वन और इक्वल में कितना होगा जीरो होगा बताओ सही है क्या यहाँ तक किसी को बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना एक एक मैं आपको पॉइंट पूछता हूँ और चलता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए दो आना चाहिए और जब दोनों को ऐड करें तो माइनस के तीन आने चाहिए ऐसी वैल्यू सोचो तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस के दो हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस के एक हो जाएगा जब माइनस दो इंटू माइनस एक करेंगे ठीक है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो दो आएगा और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे माइनस दो और माइनस एक तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के तीन ठीक है इस कंडीशन में अब हम एक और काम करते हैं साथ में वो क्या करते हैं कि इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर भी दो से डिवाइड करते हैं यहाँ से भी दो डिवाइड करते हैं और यहाँ से साइन इनके चेंज कर देते हैं तो यहाँ से एक वैल्यू आई हमारे पास एक और एक वैल्यू आई है हमारे पास दो किसकी वैल्यू आई है ये बेटा साइन थीटा की अब साइन थीटा की आपको पता होना चाहिए जो साइन थीटा की वैल्यू एक होती है वो नब्बे डिग्री पर होती है और यहाँ पर इसने कह रखा है कि जो थीटा का मान है वो निब्बे डिग्री से छोटा होना चाहिए यदि निब्बे डिग्री से छोटा होना चाहिए तो यहाँ से हम लोग ये वाली वैल्यू तो ले नहीं सकते ठीक है तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है वन बाई टू आ गई है अब वन बाई टू आप सभी लोग जानते हैं थर्टी डिग्री पर होता है तो आप लोग थर्टी डिग्री से यहाँ पर पुट करके कर सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक ही समझाऊँगा ठीक है तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है लम्ब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस ठीक है तो यहाँ से बेस या आधार है वो कितना आ जाएगा तो यहाँ से बेस या आधार आ जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण के स्क्वायर में से लम्ब का माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा चार में से एक जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेस या आधार रूट में तीन आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा रूट में तीन आ जाएगा बेस या आधार अब आपको क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है वन प्लस के वन प्लस के यहां पर इधर लिख दे रहा हूं मैं ठीक है वन प्लस के आपको पूछा गया है सेख थीटा और प्लस के टेन थीटा ठीक है तो वन प्लस के सेख होता है वो क्या होता है तो आप कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है हाइपोटेनस है कितना यानि कि कर्ण है कितना तो आप कहेंगे कर्ण जो है यहाँ पर वो कितना है दो है और अपोन में बेस कितना है रूट में थ्री है बताओ सही है क्या और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस तो ये कितना हो जाएगा ठीक है समझ पा रहे हैं सभी बच्चे तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा वन रूट थ्री प्लस वन तो ये कितना हो जाएगा देखो ये तो हो जाएगा वन प्लस के यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा रूट थ्री और अपन में दो प्लस एक कितना हो जाएगा तीन आप लोग ध्यान रखना तीन को आप लोग रूट थ्री इंटू रूट थ्री भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है तीन को आप लोग यानी कि कोई भी संख्या है उसको आप लोग दो बार रूट में लिख सकते हैं जैसे पाँच को आप लोग क्या लिख सकते हैं पाँच को आप लोग पाँच रूट पाँच भी आप लोग लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आप लोग इस थ्री की वैल्यू क्या है रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कट जाएगा देखो कैसे यहाँ पर देखो वन प्लस के और थ्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री चलिए मैं एक दब एक बार लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए और अपोन में क्या है रूट थ्री ठीक है तो ये एक रूट थ्री से रूट एक रूट थ्री कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा वन प्लस के रूट थ्री ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ठीक है आज की क्लास का 24, 23 क्वेश्चन नंबर सोल्व करो आंसर दो देखो ए एंड बी सेपरेटली कैन बिल्ड ए वॉल इन सिक्स टू अपॉन थ्री डेज एंड एट वन अपॉन थ्री डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर वन डे अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ ए इन हाउ मेनी डेज विल द वॉल बी बिल्ट ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण छः से दो बटे तीन दिन में और आठ से एक बटे तीन दिन में कर सकते हैं देखिएगा यहां पर एक ए है और यहां पर एक बी है ओके एक किसी दीवार का निर्माण छः से ही दो बटे तीन दिन में तो ये कितना हो जाएगा बीस बटे तीन दिन हो जाएगा और यहां पर ये यह कितना हो जाएगा आरती चौबीस और एक पच्चीस बटे तीन हो जाएगा कोई डाउट है अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेज देख रहे हैं ठीक है तो मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है कि जो एल्शियम आएगा वो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का लेंगे ठीक है नीचे वाले नंबर्स से हमें कोई मतलब है नहीं तो एल्शियम लेंगे वो कितने का लेंगे 20 का और 25 का एल्शियम जो हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 20 का और 25 का तो एल्शियम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा एलसीएम सो आ गया तो 100 बटे बीस और बटे तीन ए के लिए तो ए की इफीसिय कितनी आ जाएगी पांच बार घट जाएगा और ये तीन पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ए की फीसेंसी आ जाएगी पंद्रह यहाँ पर बी की अफिशेंसी टोटल यूनिट 100 है टाइम कितना है पच्चीस बटे तीन है तो 25 से कितने टाइम्स फोर टाइम्स और ये तीन पलट के ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यहाँ से बी की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी ओके अब यहाँ से ये दोनों अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं यानी कि इसका मतलब ये है एक दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी फिर तीसरे दिन ए आ जाएगा चौथे दिन बी फिर पाँचवें दिन ए आएगा छठे दिन बी फिर सातवें दिन ए आठवें दिन भी इस तरह से ठीक है कैसे पहले ए काम करेगा फिर आ जाएगा बी फिर ए काम करेगा फिर आ जाएगा बी फिर ए काम फिर आ जाएगा बी ठीक है ए की एफिशिएंसी कितनी है पंद्रह है बी की एफिशिएंसी बारह है फिर से पंद्रह और फिर से बारह हम लोग कह सकते हैं क्या हम लोग कह सकते हैं कि दो दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है तो दो दिन में जो कितने यूनिट काम हो रहा है तो दो दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है सत्ताईस यूनिट दो दिन में कितना काम हो रहा है तो दो दिन में जो काम हो रहा है यानी कि ए एक दिन में पंद्रह यूनिट कर रहा है बी बारह यूनिट तो दो दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है सत्ताईस यूनिट हो रहा है हमें कितने यूनिट काम करवाना है सौ यूनिट तो हमें ऐसे करना है कि 27 का मल्टीपल ऐसा ढूंढना है जो हैंड्रेड के आसपास आए तो आप कहेंगे 24, 27 का अगर हम लोग फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 108 आएगा तो 108 तो काफ़ी ज़्यादा चला गया यानी कि आठ ज़्यादा चला जाएगा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कम चला जाए, ठीक है या फिर उसके बराबर आ जाए तो यहाँ पर 27 को तीन से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 वन सत्ताईस को जब आप लोग तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एटी वन कितना आ जाएगा एटी वन तो यहाँ पर दो को भी आप लोग जब तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा सिक्स डेज छः दिन में कितने यूनिट काम हो चुका एटी वन हमें कितना करवाना है हंड्रेड ठीक है अब फिर से कौन करेगा स्टार्टिंग कौन करेगा ए और ए कितने यूनिट काम कर रहा है तो ए एक दिन में कर रहा है पंद्रह यूनिट काम कर रहा है कितने यूनिट काम कर रहा है पंद्रह यूनिट तो पंद्रह हम लोग जोड़ देंगे तो इसमें भी एक दिन जोड़ देंगे ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा नाइन्टी सिक्स काम अब ये जो नाइन्टी सिक्स काम है ठीक है ये तो कितने दिन में हो गए हैं तो ये हो गया बेटा सेवन डेज में ठीक है अब बचा कितना काम तो बचा जो काम है वो बचा है चार केवल चार ही हमें करना है ठीक है केवल चार ही यूनिट हमें काम करवाना है लेकिन यहाँ पर जो काम करेगा बी बी की एफिशंसी कितनी है बारह है तो हम चार बटे बारह से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा एक बटे तीन तो टोटल जो वर्क लगेगा वो कितना लगेगा तो सात तो ये है और एक बटे तीन ये है तो आंसर कितना आ जाएगा सात सही एक बटे तीन दिन आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा ठीक है किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है तो ये थी आज की हमारी क्लास उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे ठीक है काफ़ी कुछ सीखे होंगे देखो एक भी क्वेश्चन में स्किप नहीं करता एक भी टॉपिक स्पीक स्किप नहीं करता ठीक है जितने भी टॉपिक्स होते हैं और जितने भी टाइप्स के चाहे क्वेश्चन हार्ड आए मीडियम आए एवरेज आए ठीक है या फिर एकदम आसान आए वो सभी टॉपिक यानी कि वो सभी टॉपिक्स मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कई क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं मॉडरेट होते हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक भी टाइप नहीं छोड़ना है अगर सिलेक्शन लेना है तो ठीक है और आपने देखा होगा कि जब से हमारी क्लासेज शुरू हुई है आज हमारा मोकटेश नंबर 56 था क्लास नंबर 56 है एक भी दिन हम लोगों ने मिस नहीं किया है एक भी दिन क्लास ऐसी नहीं हुई जिस दिन हमारी क्लास नहीं हुई होगी ठीक है और टाइम भी आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर टाइम पास तो करते हैं नहीं ठीक है ना कंप्लीट यानी कि एक से एक छोटी से छोटी चीज़ में आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर अगर क्लास में आते हैं तो क्लास को अच्छे से देखने की कोशिश किया करो समझने की कोशिश किया करो ठीक है आपके जो भी डाउट्स है आप लोग मुझे आ, लिख सकते हैं कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो इसकी मैं आपको विथ सोल्यूशन पी डी एफ क्लास ट्वेंटी फोर के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाई दी जाती है ठीक है तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लिया करो एकदम फ्री है कोई चार्ज है नहीं और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ प्री और मेंस, कोई भी एग्जाम देना इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले ठीक है इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं लेकिन विश्वास तो आपको करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा ठीक है और एक काम करना मेरी ये क्लास आप लोग देखते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग सोल्व किया करो ठीक है ना जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे ठीक है पिछले प्रश्न पत्र हल करेंगे उससे आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ठीक है क्योंकि प्री और मेंस सभी टॉपिक्स और सभी को हम लोग साथ में अब ऐसा तो है, है नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करें ठीक है ना फिर मेंस की कब करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं तो हमें प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा किसी टॉपर से भी पूछ लेना जो सेलेक्ट हुआ है उससे भी पूछ लेना कि हम लोग तैयारी करें वो कैसे करें ठीक है तो वो एक ही बात कहेगा कि आप लोग प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप लोग सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा मिलता हूँ कल कितने बजे फिक्स पाँच बजे क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और हाँ ऑफ़लाइन कमेंट आप लोग जरूर किया करो तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर